राम राम जी, सुबह सुबह हमें फ़ोन आता है कि मंत्री साहब हमारे एरिया में आ रहे हैं। तो मैं अपने भाई के साथ पहुंच जाता हूं मंत्री साहब का स्वागत करने। मंत्री जी को देखते ही एक अलग ही उमंग सी आ गई, भाई अपने अभय चौटाला साहब जो कि हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य हैं, अभय चौटाला जी जो किसान यूनियन को एक तगड़ा सपोर्ट देते हैं, तो आज उनके वेलकम में और भाई तो टेंशन नो, सिस्टम पार्ट देंगे। अभी जब भाई साहब आ रहे थे रास्ते में पलवल में अटवा मोड़ पर, रजनीश चौहान पूरी टीम सहित, बबलू चौहान, कैलाश चौहान, नरेंद्र चौहान, बॉबी भगत सिंह, भारत भूषण, महेश चौहान, बॉबी भगत सिंह, भारत भूषण, महेश चौहान, रवि और उनका स्वागत है और पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जो आस्था दिखाई और उनका स्वागत है और पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि उनका सम्मान होगा। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर यहाँ पर शेर शाह जब स्वयं नारायण जी मात्र 1.5 किलोमीटर पर विराजमान है। ये हमारे इस इलाके का सौभाग्य है कि जहाँ पर परमात्मा खुद विराजमान है और उस सैया पर विराजमान है जिसको देखने के लिए बड़े बड़े महात्मा और ऋषि जंगलों की तपस्या करते और खाक छानते हैं। आज हम उस धरा पर आकर के उस धरा को भी नमन करते हैं। साथियों सभी ने सब बातें कही है। आज जो भाई साहब हमारी जिम्मेवारी लगा करके जाए और जो घोषणा यहाँ पर हमारे बीच में करके जाए, ये जरूर आप जिम्मेवारी हम निभाएंगे और घोषणाएं आप अपनी जिम्मेवारी निभा देना। भाई साहब जिस दिन मुख्यमंत्री के पद पर बैठेंगे उस दिन निश्चित तौर पर मान लेना जो घोषणा आज यहाँ कर करके जाएंगे वो घोषणाएं आपकी निश्चित तौर पर पूरी होंगी। चौधरी देवीलाल ने भी यही काम किया था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी यही काम किया था और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए भाई अभय सिंह चौटाला जी भी यही काम करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और समय दिया, आप सबने मेरी बात सुनी। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन नेशनल लोकदल। धन्यवाद चौधरी रतन सिंह जी का हम मैं निवेदन करूंगा। भाई देवेंद्र तेवतिया जी से जो कि हमारे पड़ोसी जिले के कार्यकारी जिला अध्यक्ष है,
और हमारे कहते हैं दूसरे दीप सिंह भोबी जी, कार्यकारी जिला अध्यक्ष भाई सतपाल देशवाल जी, समस्त मंच, मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, मेरे पत्रकार और छायाकार के लिए बधाई देता हूँ कि आज आपने ब्रिज से लगते इस गांव बांसवा में आज इस रथ यात्रा सीधा रैली से आगे भाई अपन अपनी दुकानों पे, ये अपनी जगह है भाई, तो अभी खड़े अपने प्लॉट पे और जा रहे हैं भाई घर, क्योंकि घर भी एक बहुत ही ज़रूरी काम है, वे काम भी निपटाने ज़रूरी है। और भाई अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत कर दिया है तहे दिल से हमने, अभी फ़ोन आ रहे हैं, दो मिनट रुक जाओ, जब तक हम क्या मैं सरकार में कहा घुसने की सोच रहे हो, फोन पे फोन आने लगे हम, एक मिनट रुक जाओ सरकार तुम भी। सारे काम करके भाई आज के दिन के सारे काम खत्म कर दिए, एक नंबर पूरे काम, ठीक है। अब अपने भाई रूम में बैठ गए अपने सोफे पे, तो भाई सोचा थोड़ी देर अब तमते बतरा लिए जावे, समझो ना तमते। तो क्या हाल है भाई, लोग यार प्यार करो यार, शेयर नहीं कर रहे तुम, मतलब एक बार शेयर तो करके देखो भाई, अपने भाई को वायरल कर दो यार। तो भाई आज कोई नहीं, खुशखबरी कुछ टाइम बाद, अभी जस्ट थोड़ा बहुत अनाउंसमेंट हुआ है, जो आज का प्रोग्राम था बड़े भाई का, तो अनाउंसमेंट हुई है, जो अभी उसमें टाइम है, एक सरप्राइज रहेगा भाई, बाकी प्यार दें, सपोर्ट करें फुल, और एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज भी आने वाला है भाई, तो भाई कर दो हैं, बेल आइकन दबा दो, अंगूठा है हमारा दिखाई करूँ मैं, प्रेस द बेल आइकन है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में, लव यू ऑल, जय श्री राम।